और बीच बीच में ओ भाई मोर अरे यार कश्मीर आया करो और ब्यूटी देखो कैसी मस्त बुलाए तो नजार मौजूद गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस आज का प्रोग्राम है, आज हमने अभी प्लान बनाया, अभी हम जाएंगे सरंसफल की तरफ। तो अभी हमने घर में ही खाना खाया है, तो वहां जाके हम देखेंगे क्या करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। घर से जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं हम। अभी मौसम भी अच्छा नहीं है, तो हम जा रहे हैं देखेंगे क्या होगा आगे का प्रॉब्लम। सो गाइस फाइनली हम अपने गांव से बाहर निकल आए हुए हैं, तो अब हम हमें दूसरे विलेज को क्रॉस करना है ताकि ऊपर जा सके। सो अभी मेन मार्केट कछवा में हम पहुंच चुके हैं, यहां से अब हमें सीधा जाना है मुकाम की तरफ। तो उसके ऊपर जो है वो मुंह कलंतरा है। तो अभी 10-15 मिनट लगेंगे यहाँ से, क्योंकि अब हमने आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड्स बहुत ही खराब है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से जाने की। और गाइस इतनी सर्दी लगी है, क्या बोलूं मैं आपको, मेरे कान ना वो यहाँ पे मतलब यहाँ से आप बाइक नहीं जा सकते, तो यहाँ से कोहरा है, रोड पे कोहरा है, कसम से बाइक को चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं चला दूंगा बाइक कसम से। बट ये हैवी ड्राइवर है, हम कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं यार क्या खतरनाक रोड है। तो फाइनली गाइज हम बाइक से उतरे हैं, बहुत ही ठंडे कसम से मेरे कान लाल हो गए, ऊपर से मैंने हेलमेट भी नहीं पहना है। तो अभी हम जाएंगे सरंस फॉल पे, मैं आपको दिखाऊंगा सरंस जहाँ पे इतनी बहुत ज्यादा बर्फ है। अभी हम जाएंगे वहां से वहां, तो देखिए आप पीछे बर्फ, बहुत ज्यादा बर्फ है यहाँ पे, लेकिन मजा भी आ रहा है। गाइज हमने आग जलाया, अभी हम अपने आप को थोड़ा बहुत गर्म करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम सरंस फॉल में। तो आप बने रहना क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ऊपर से जो धूप है वो भी अब थोड़ी थोड़ी निकलने लगी है। हम कोशिश करते हैं अपने आप को गर्म रखें, क्योंकि अभी हमें सांस पे भी जाना है। यहाँ पर अब हमें शायद टाइम हुआ है, अब हम सांस फॉल की तरफ जाएंगे, तो अब हम इसको बुझा देते हैं, क्योंकि ये जंगल है, ये जंगल हमारी सेफ्टी है, जब जंगल है तभी हम आए। हम पहले बुझाएंगे ताकि जंगल का कोई नुकसान ना हो, इसको हम बुझाएंगे पहले ताकि जंगल को कोई नुकसान ना हो। तो गाइस पहले फोटो शूट करेंगे, उसके बाद देखेंगे। फाइनली गाइज तो फोटो शूट हमारा खत्म हो गया, अभी जो रील्स थे वो भी हमने बनाए, अभी हम जा रहे हैं नीचे सरंस फॉल। तो चलो गाइज नीचे चलते हैं।
चलो गाइस अभी चलते हैं हम नीचे, पहले हम जाएंगे बाइक की तरफ, बाइक की तरफ देखेंगे क्या करते हैं बाइक को, शायद धूप भी है और बारिश भी हो रही है अभी हम कम ज्यादा। उसके बाद पहले करेंगे हम अपने स्टार्ट, जो हमारा ये बाइक है उसको स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ। चले नीचे की तरफ हम जाएंगे अभी, संसफाल में जो जाना है वही जाएंगे। तो स्टार्ट भाई, यहाँ पर रोड बहुत ही खतरनाक है क्योंकि स्लिप है और ये जो कोहरा है ये लग चुका है, बर्फ बहुत ही हार्ड है यहाँ पर, इसकी वजह से बाइक को उतारना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम उस तरफ ट्रांसफॉल में जा सकते हैं या और दूसरा रास्ता वहाँ से, लेकिन हम कोशिश करेंगे यहीं से जाएं क्योंकि यहाँ से एक शॉर्टकट है। ट्रांसफॉल की व्यू भी यहाँ पर बहुत सामने और इसकी वजह से वहाँ की अच्छी व्यू नहीं आ रही है, तो हम डायरेक्ट वहीं पर जाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस शॉर्टकट रास्ते से क्या हो सकता है, अपनी तरफ से हम बेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ से रास्ता देखते हैं, अगर रास्ता मिलेगा तो जाएंगे, अगर नहीं तो फिर हमें यहीं से काम चलना है। रास्ता तो है, अच्छा रास्ता है, यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, बढ़िया व्यू है यहाँ पर। तो छोटा सा रास्ता है यहाँ से जहाँ से हम जाएंगे और जहाँ से अक्सर यहाँ पर लोग जाया करते हैं, समर में भी यहाँ पर आए थे हम एक बार, उस दिन व्यू उतनी अच्छी नहीं, मुश्किल रास्ता है ये देख सकते हैं, लेकिन ब्यूटी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है, ब्यूटीफुल प्लेस है भाई। आप भी कुछ कहें इस खूबसूरती के बारे में, अब हम पहुंच चुके हैं नियर अबाउट, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, लाजवाब है, लाजवाब है, ये तो कश्मीर का जो एक खूबसूरत नजारा है। ये देखो आप नीचे दिखाओ, ये जो है ट्रांसफॉल, अभी यहाँ पानी उतना नहीं है लेकिन बर्फ बहुत ज्यादा है, बर्फ हद से ज्यादा है। आप देख सकते हैं हम किन रास्तों से इस वक्त गुजर रहे हैं, ये देखिए, ये एक तरह का जो माउंटेन है उसमें से छोटा सा रास्ता गुजरता है। तो आइस भी वहां पर लगा हुआ है इस वक्त, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में आइस है जो हम बचपन में खाया करते थे। ये व्यू भी आप देख सकते हैं, क्या ब्यूटी है यार, क्या उठा रहा है भाई, ये है, इसको कहते हैं हम शीशर गांड जो हम बचपन में खाते थे। अदखे मैं कर चुका ना ये देख सकते हैं वहां पर एक विलेज है, इसके नियर में एक विलेज पड़ता है, पता नहीं इसका नाम क्या है यार, बहुत मैं थक गया, चलना गर्म कपड़े नहीं पहने क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इतनी ठंड होगी यहाँ पर, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर किसी ने M प्लस S भी लिखा है और M प्लस M भी, ये तो बहुत ही जगह है गाइस, कसम से मुझे बहुत मजा आया यहाँ आने में, मुझे बहुत ही मजा आया विंटर में, स्पेशली जो विंटर में आते हैं ना बहुत मजा आता है, समर में बहुत बार आता हूँ लेकिन विंटर में आज मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे ट्रांसफॉल में। आई थिंक यहाँ पर ये देख सकते हो आप देखो, ये देख सकते हो आप नजारा, अभी यहाँ पे कोहरा लगा है, अभी देख सकते हो, देखो ये देखो सबसे ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर नीचे का नजारा है, सिद्धन प्ले से ऊपर का रास्ता मिलेगा, थोड़ा सा रास्ता मिलेगा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो यार, कहाँ आएगा वापस, संभल के जाना, वो बहुत ज्यादा गहरा है। हबीबी कश्मीर आया करो और ब्यूटी देखो कैसी मस बुलाए तो नजार मौजूद मे बस अती हाँ वह आब खास बस गैस अभी बच गए हैं चार, तो अभी हम घर की तरफ वापस जाएंगे, अभी बहुत ठंड है यहाँ पे, तो अभी हम घर की तरफ वापस जाएंगे, तो चलो, तो अभी हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं,
डीएसएलआर वो आम शूट कर तवे थोड़ा वह कड़ी नोर सी विंटरस मज स्पेशली विंटर में यहाँ पर आना नामुमकिन लेकिन फिर भी हम आए आपके लिए मुझे लगता है भी निकल गई है। हम प्लान करते हैं बाबा ऋषि की तरफ कोशिश करते हैं देखते हैं क्या होता है आगे लेकिन फिलहाल हम जा रहे हैं वापस। फिलहाल हम सरंसपाल से वापस आ चुके हैं आप भी देख सकते हैं वो था सरंसपाल हम वहाँ से वापस आ गए हैं। बहुत ही विंटर में यहाँ पर नहीं आना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं होगा जो मेरे पीछे बंदा है ये कौन है एक्चुअली ये मेरा भतीजा है बेंथर जिसको कहते हैं हम बेंथर और बीच बीच में ओ भाई मार अरे यार तो सीधे ओ माय गॉड मुझे कसम से बाल बाल बच गया मेरा कमर शायद टूट गया तो मुझे यार यार पहले वीडियो बंद करते मुझे लग गई। फ्रेंड्स हम सरंसपाल से वापस आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।